एक तो डीजे नहीं बजेगा दूसरा शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा लाठी डंडा तलवार ये अलाउड नहीं हजारों लोग लाखों लोग सड़क पे एक साथ आएंगे और एक ही लाइसेंस में आएंगे तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है आप दो लाख लोग ले आइए लेकिन उस हिसाब से जो प्रशासन की शर्तें हैं वो आपको तो मानना पड़ेगा प्रचार किया जा रहा है कि प्रशासन रोक रहा है बिल्कुल नहीं रोक रहा हम लोगों ने मुहर्रम में भी नहीं रोका हम लोगों ने रामनवमी में भी नहीं रोका हम लोग अगले मुहर्रम में भी नहीं रोकेंगे मुहर्रम में भी वही शर्त रहेगी और रामनवमी में भी वही शर्त रहेगी लाखों लोग अगर जुलूस में भाग लेना चाहते हैं तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा ये भी कहा गया कि जो आधार कार्ड मांगा जा रहा है उससे जो है वो लोगों को फंसाया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि रामनवमी का जुलूस से कितनी भी संख्या में निकले उसके लिए पूरी तरह से तैयार है कोई भी संगठन अगर नहीं निकालना था तो उनकी मर्ज़ी है हम लोग जबरस्ती तो नहीं कर सकते हैं अगर बिहार शरीफ में दो आवेदन आते हैं दो दो सोचे तो हम लोग अलाउ करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलाउ नहीं होगा शर्त सिर्फ ये है कि दो एक जुल एक लाइसेंस में 200 आदमी और उसमें 10 परसेंट वॉलेंटियर्स वॉलेंटियर्स का मतलब ये नहीं है कि उन पर जो है वो अगर कोई गड़बड़ होती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी ऐसा नहीं वॉल्टियर्स का मतलब वो है कि जो जिम्मेदारी ले सके अपने जुलूस की रामनवमी को लेकर आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अभी तक सात लोगों ने लाइसेंस लिया है उसमें दो राजगीर अनुमंडल में है छबीलापुर थाना क्षेत्र में एक पावापुरी थाना क्षेत्र में और दो जो है वो आपका इस्लामपुर एक इस्लामपुर क्षेत्र में है एक परवलपुर में है तीन लाइसेंस जो है वो हिलसा थाना में लिए गए जो शर्त हम लोगों ने रखी रह थी कि 200 व्यक्ति एक लाइसेंस उसमें 10 परसेंट वॉलेंटियर्स होंगे इस शर्त पर हिलसा क्षेत्र में एक ही जुलूस निकलता था उन लोगों ने तीन लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग लग लगभग पांच से छह लोग रहेंगे तो उन्होंने तीन लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है दस परसेंट के साथ तो उनका तीन लाइसेंस तीन जुलूस निकलेगा एक साथ निकलेगा और हम लोग उसके लिए व्यवस्था करेंगे कई लोग जो है इसमें भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं उस हम लोग दूर करना चाहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि संख्या बल अधिक रहेगा तो प्रशासन मना कर रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है आप दो लाख लोग ले आइए लेकिन उस हिसाब से जो प्रशासन की शर्तें हैं वो आपको मानना पड़ेगा आप लोग पिछले बार का दो का जो यहाँ दंगा हुआ था जो विधि व्यवस्था की समस्या हुई थी उसको बहुत करीब से देखे थे कई पत्रकार हमारे ऐसे थे जो घटनास्थल पर मौजूद थे उस समय संख्या जब बड़ी होती है तो उसको रेगुलेट करना किसी भी पुलिस फोर्स के लिए आ, आसान नहीं आसान नहीं इसीलिए हम लोगों ने जो सुझाव रखा था वो रखा था कि हम लोग जुलूस को सेक्टर में मूव करेंगे सेक्टर मूव करने का था कि एक सेक्टर में एक बार में 200 लोग निकले और वो आगे बढ़ जाएंगे तो फिर 200 का फिर अगला जुलूस निकलेगा तीसरा निकलेगा चौथा निकलेगा अगर बिहार शरीफ में 200 आवेदन आते हैं दो दो सो के तो हम लोग अलाउ करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलाउ नहीं होगा शर्त सिर्फ ये है कि दो एक जुल एक लाइसेंस में दो आदमी और उसमें दस परसेंट वॉलेंटियर्स वॉलेंटियर्स का मतलब ये नहीं है कि उन पर जो है वो अगर कोई गड़बड़ होती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी ऐसा नहीं वॉल्टियर्स का मतलब वो है कि जो जिम्मेदारी ले सके अपने जुलूस की वैसे व्यक्ति जो अपने जुलूस की जिम्मेदारी लें जिम्मेदारी में क्या जिम्मेदारी लेंगे माइक संभालें माइक पर नियंत्रण रखें कई कई बार जो है वो भड़काऊ जो है वो गाने चला दिए जाते हैं नारे लगाए जाते हैं कुछ ऐसी बात कही जाती है जो कि, कि किसी दूसरे समुदाय को आहत कर सकती है उस पर नियंत्रण होगा इसलिए माइक का कंट्रोल करेंगे जो रथ होता है जिस रथ पर जो है वो जुलूस पड़ता है उस रथ पर नियंत्रण करेंगे लोगों को समझाएंगे कि ये दिशा है जुलूस दूसरे मार्ग में ना चला जाए इसलिए एक सुझाव हम लोगों ने दिया था कि भराव पर से संख्या कम करी जाए लेकिन उस सुझाव में वो भी कोई मैंडेटरी नहीं था वो कोई मैंडेटरी नहीं जब हम लोग जुलूस का लाइसेंस निर्गत करते हैं उसमें सारी कंडीशन लिख देते हैं क्या कंडीशन्स में जुलूस निकला है कंडीशन स्पष्ट हैं जो पूरे राज्य में लागू हैं एक तो डीजे नहीं बजेगा पूरे राज्य में लागू है दूसरा शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा पूरे राज्य में लागू है लाठी डंडा तलवार ये अलाउड नहीं है यही शर्तें हैं इसके अलावा जो हम लोगों ने शर्त रखी थी कि छोटे छोटे टुकड़ों में जुलूस निकले अब हजारों लोग लाखों लोग सड़क पे एक साथ आएंगे और एक ही लाइसेंस में आएंगे तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है ये आप लोग चूंकि सभी लोग इतने सालों से देख रहे हैं रामनवमी का जुलूस हो या मुहर्रम का जुलूस हो दोनों जुलूस में ये इशू है तो मुहर्रम में भी हम लोगों ने इस तरह की शर्त रखी थी तो उसमें भी बिहार शरीफ में लोगों ने कहा कि नहीं इतनी इस शर्त में हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हम लोग एक जुलूस में इतने लोगों को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे कि दो सो ही आएँ ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर आप लोग कहिएगा तो हम लोग नहीं कर रहे हैं अच्छी तो बात हम तीन लोगों ने वहाँ लाइसेंस लिया था उन्होंने छोटे स्तर पर जो है जुलूस निकाला और वो समाप्त हो गया